गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है नौमी और आज है कन्या पूजन का दिन। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है क्योंकि आज के दिन स्पेशल भोग तैयार किया जाता है। तो मैं वही का तैयार करने में लगी हुई थी और अभी टाइम है माता रानी की पूजा करने का। तो सो आप लोग को दिखाते हैं। ये है हमारी माता रानी का विराजमान एंड जो स्पेशल भोग है वो ये है हलवा पूरी चना एंड बताशे इसके साथ में। तो अभी पूजा का टाइम है, पूजा करते हैं और फिर आज नवरात्रि की आखिरी आरती आप लोग को देते हैं। और इन नौमी की आरती आप सभी के लिए। और ये देखिएगा आज 9 दिन के व्रत के बाद फाइनली जब इनका आज व्रत खोला इसके बाद आज नमक वाली चाय मिली होगी। हाँ तो बताइए नमक वाली चाय पी के कैसा लगा? आज बहुत दिनों बाद इनको मतलब बहुत दिनों के 9 दिन के बाद आज नमक वाली चाय मिली। अजीब लग रही है, अजीब लग रही है। अब तो वहाँ से नमक वाली चाय बिना छोड़ दो, मैं पीऊँगा अकेले। ना आपने भी बिना नमक वाली चाय पी है? अरे हमने तो पी नहीं, हमने झेली है। कितनी बकवास लगती है मेरे को बिना नमक की चाय, मुझे नहीं अच्छी लगती है। हम क्या करें। और ये बच्चा बहुत शैतान कर रहा है आजकल। ये रोआ तुमने कन्या खाई थी? कन्या खाई थी। तो गुड इवनिंग गाइस, आ चुके हम अपने वीडियो में वापस। तो जैसा कि अभी शाम का टाइम हो चुका है, लगभग शाम के 8:30 बज चुके हैं। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं कुछ ख़ास चीज़ जिसको गाइस आप लोग पहले भी देख चुके हैं, मैंने भी देखा है, बट मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था। बट अभी आपको दिखाते हैं क्या होता है गाइस। तारीफ करते हैं मेरी। तो जैसे गाइस आप ये सामने बॉक्स देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने बताया था ये घरेलू सालू सज्जा का सामान, शायद इस डायलॉग से आपको याद आया होगा। तो ये इस चीज़ को मैंने पहले उतना सीरियसली नहीं लिया, बट अब इसको सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैंने 2 दिन से मतलब 2-3 दिन से जब से आए हैं तब से इनका देखा है क्या है कि जो भी हम जैसे वेजिटेबल्स लाते हैं मार्केट से तो उनको मोस्टली लोग ऐसा ही रख देते हैं डलिए में। अभी इसके आने से एक चीज़ अच्छी ये हुई है गाइस कि जब इनके आने के बाद जो भी वेजिटेबल्स मैं ला रहा हूँ मार्केट से, इनको क्या है ये अच्छे से धो के सुखाने के बाद इन डिब्बों में प्रॉपर पैक करके फ्रिज में रखती हैं, स्टोर करती हैं मतलब। तो इससे ये ना कि थोड़ा बहुत हाइजीन मेंटेन होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब एक इनका सिस्टमेटिक तरीका था। मुझे पहले इनका ये इतना नहीं लगा कि इतना यूजफुल नहीं होगा। आपने मजाक उड़ाया था, बट मुझे अब मतलब देख के लगता है ना कि सही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है इससे फ्रिज। और जो पॉलिथीन होती थी ना कहीं पर रख दी, इस बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा फ्रिज में मेरा ऑर्गेनाइज है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको क्योंकि जैसे पहले वेजिटेबल आई मैंने पॉलिथीन सब्जी निकाल के रखी, सुखा के दोबारा से पॉलिथीन बांध के फ्रिज में रख दिया। बट उससे क्या होता था वो पॉलिथीन कहीं इधर उधर हो जाती थी तो पता ही नहीं चलता था कि सब्जी गई तो गई कहाँ, या फिर कभी यूज़ हो गई कभी पीछे रह गई तो वो ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई उसके बाद देखा गया। अब इसे क्या सारी सब्जी सामने है तो दिखती रहती है। और क्या इससे एक चीज़ ना कि प्रॉपर सब सिस्टमेटिक रखा हो तो देखने में भी अच्छा लगता है। किचन सॉरी मतलब फ्रिज खोलो तो लगता है कि हाँ कोई फ्रिज है। सारी सब्जियां एकदम डिब्बे में पैक करके रखी हुई हैं और वो भी अच्छे से साफ होने में कि उसको निकालना है, काटना है, डालना है। और गाइस इस चीज़ को क्या है हमारे जो मेल व्यूअर हैं वो शायद उनको इतना यूजफुल ना लगे, बट जो भी फीमेल्स हमारी इस चैनल को देखती हैं हमारे वीडियोज़ को, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे खास तौर पर बहुत अच्छी लगी है ये। दिवाली के टाइम पे जब पूरा अच्छे से क्लीन अप होगा ना तो आपको मैं एक बार अपनी फ्रिज का ज़रूर से टूर दूँगी, पक्का दिखाऊँगी पूरा कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी है। तो आप देखिएगा जैसा कि आपने देखा इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और सिस्टमेटिक जब कोई चीज़ लगी होती है रखी होती है तो बहुत देखने में अच्छी लगती है और सही भी होता है। तो इन चीज़ों का मतलब अच्छा यूजफुल हो सकता है, मैंने ये पहले नहीं सोचा था बट ये ठीक है और आई थिंक मुझे ठीक लगा। तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो गाइस अभी आपको टेबल पर 2 थालियाँ रखी हुई दिख रही होंगी। तो गाइस अभी हो चुका है हमारे डिनर का टाइम जो कि काफ़ी दिनों बाद मतलब जब से नवरात्र शुरू हुए हैं तब से त्यौहार में टाइम और डेली पूड़ियाँ खा खा के हम लोग ऊब चुके थे। अभी मुझे थोड़ा सादा खाना दिखा, बहुत अच्छा लगा, जिसमें सब्जी है, रायता है और रोटियाँ हैं। तो गाइस अभी करते हैं अपना डिनर और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद में टीवी देख रहे हैं। अब आज ये देखिए, बहुत दिनों बाद आज टीवी ऑन की है मैंने। ऑन किया कि जैसे नवरात्र सीरीज स्टार्ट हुई इतना काम हो जाता था और बहुत सी चीज़ें हैं, इतना टाइम नहीं मिलता था देखने का। और अब हम लोग थोड़ा सा लाइक रिलैक्स हुए हैं कि सर नवरात्रि का सिस्टम सारा फिनिश हो चुका है। अभी पूरा फिनिश तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ अभी काफ़ी कुछ बाकी भी है। अब फास्ट वगैरह नहीं है, मतलब ये है कि अब कुछ ये चीज़ नहीं देखना पड़ेगा कि बिना नमक वाला ये मिलेगा वो मिलेगा। और व्रत के टाइम तो वैसे भी चीज़ें उस टाइप नहीं बन पाता ना खाना ना। यस तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं भी ये खाना खाने जा रही हूँ। तो अपना डिनर एंजॉय करते हैं एंड आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय माता दी गाइस। जय माता दी।